नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू साहू स्वागत करती हूँ आप सबका कंपटीशन कम्युनिटी के इस खास पेशकश CGPSC मेंस प्रोग्राम में। 7 मार्च को डिस्कशन कम्युनिटी में आप सभी के समक्ष जो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिदृश्य है उसका टॉपिक अनुसूचित जातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियाँ, संस्थाएँ, सम्मान और पुरस्कार से संबंधित 6 प्रश्न रखे गए थे। आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि ये जितने भी प्रश्न हैं इसके आंसर कैसे होने चाहिए। देखिए, जितने भी स्टूडेंट डिस्कशन कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं और जो भी आंसर लिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जिन्होंने आंसर लिखा है लगभग सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर को लिखा है। ऐसा कोई बहुत ही विशेष या यूनिक तरीके से किसी ने लिखा है ऐसा कुछ नहीं है, सब ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर को लिखा है। आप लोगों के आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। आपको बाकी स्टूडेंट्स के भी आंसर देखने और उन्हें कमेंट करने हैं और आपको बताना है कि क्या सुधार किया जा सकता है उस पर्टिकुलर आंसर में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है बाकी स्टूडेंट्स उनका आंसर देखें और उन्हें बताएं कि हाँ आपने बहुत अच्छा लिखा है, ताकि बाकी लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो उस कमेंट को देख कर भी ये जाने कि उनका आंसर और कितना बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो आप जितने भी स्टूडेंट डिस्कशन कम्युनिटी में अपना आंसर लिख रहे हैं और जो स्टूडेंट डिस्कशन कम्युनिटी जाके आंसर देख रहे हैं वो कमेंट भी करें उस पर्टिकुलर आंसर पर। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है CGPSC मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। इससे मैंने जितना एनालिसिस किया उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते हैं, और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो तो फिर भी बहुत ही कम चांसेस है। तो मैंने ऐसा किया है कि यहाँ पर जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने 2, 4 और 8 का रखा है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं ही आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन आप अपने आंसर को मोल्ड कर सकते हैं 175 वर्ड्स में। तो हम उस प्रकार से इन आंसर्स को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के उत्थान के क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा कौन सा राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है? वर्ष 2019 में यह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? विच स्टेट अवार्ड इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट? हु रिसीव्ड दिस अवार्ड इन द ईयर ऑफ 2019? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 वर्ड्स में लिखना है। ये जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों के उत्थान के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड 2019 में किसे दिया गया। ठीक है, मतलब कि आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए 15 वर्ड्स मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है, आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो आपको क्या लिखना है कि इनके उत्थान के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, किस विभाग के द्वारा दिया जाता है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है और 2019 में अवार्ड किसे मिला। तो ये तो 4 सवाल है आपके मन में होना चाहिए और आपको 30 वर्ड्स में इसे सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके लिखना है। ठीक है, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे कि महान समाज सुधारक एवं सतनामी समाज के प्रमुख गुरु घासीदास, इनकी स्मृति में आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के क्षेत्र में। देखिए, मतलब कि सामाजिक चेतना जो जागृत कर रहे हैं वो, और जो दलित वर्ग का उत्थान कर रहे हैं, ठीक है, जो इन दोनों क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई संगठन हो सकता है, उन्हें ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? गुरु घासीदास पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बार 2019 में ये जो गुरु घासीदास पुरस्कार है वो किसे प्राप्त हुआ? गुरु घासीदास साहित्य एवं संगीत अकादमी रायपुर को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप अपने आंसर को 30 वर्ड्स में लिखेंगे। क्या क्या ध्यान में रखना है कि इनके उत्थान के क्षेत्र में, मतलब कि कैसा उत्थान हो रहा है, सामाजिक चेतना जागृत की जा रही है और दलितों का उत्थान हो रहा है। दलित किसे कहा गया था? अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कहा गया था। ठीक है, तो इनके उत्थान के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं वो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई संगठन हो सकती है। तो इन्हें गुरु घासीदास सम्मान, जो गुरु घासीदास पुरस्कार है वो दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाएगा। और ये गुरु घासीदास है कौन? ये महान समाज सुधारक एवं सतनामी समाज के प्रमुख गुरु हैं। इस बार किसे मिला है? तो गुरु घासीदास साहित्य एवं संगीत अकादमी रायपुर को मिला। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को 30 वर्ड्स में लिखिएगा। प्रश्न है, मिनी माता सम्मान के बारे में बताइए, डिस्क्राइब द मिनी माता ऑनर। तो देखिए, ये जो पिछला क्वेश्चन था, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें आपसे क्या पूछा गया था कि कौन सा राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है और इस वर्ष 2019 में किसे दिया गया।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि इसके बारे में आप बताइए, सामान के बारे में आप बताइए, मतलब कि वहाँ पर हमको लिमिटेड आंसर देना था, लेकिन यहाँ पर हम बहुत कुछ कह सकते हैं क्योंकि इसके बारे में हमको कुछ भी पता हम बता सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स का आप ध्यान रखिएगा, जो वर्ड लिमिट है उसका आप ध्यान रखिएगा, और जो भी आप इसके बारे में जानते हैं, सम्मान के बारे में जानते हैं, आप बता सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी ने कुछ लिखा है, किसी स्टूडेंट ने कुछ लिखा है, तो वो जो आंसर है अगर सिमिलर भी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी कुछ जानते हैं इसके बारे में वो आप बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मुख्य बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें आप स्किप ना कर जाएं। आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ध्यान में रखते हुए लिखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो इस आंसर में होना ही चाहिए वो ये है, आपको बताना पड़ेगा कि जो सतनामी समाज के गुरु अगमदास जी हैं, उनकी पत्नी और छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मीनाक्षी देवी, देखिए ये जो मीनाक्षी देवी है, ये जो मिनी माता है उनका वास्तविक नाम है, उनका उपनाम था मिनी, और ये जो माता है ये उनको पद मिला था, ठीक है, तो इस प्रकार से उन्हें बाद में मिनी माता कहा जाने लगा। तो उनका वास्तविक नाम क्या था? मीनाक्षी देवी था। तो इस प्रकार से आप ये बताएंगे, पहले इनका परिचय देंगे कि ये जो मिनी माता है ये अगमदास की पत्नी है और छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद रही है मिनी माता। इन्होंने असमानता के विरुद्ध काम किया, इन्होंने बाल विवाह, छुआछूत, दहेज प्रथा और गौवध के विरुद्ध संघर्ष किया। जो महिलाएँ हैं, दलित वर्ग के लोग हैं और शोषित वर्ग के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए हमेशा लगी रही, तो इसलिए इनकी स्मृति में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए केवल महिलाओं को मिनी माता सम्मान दिया जाता है, मिनी माता पुरस्कार दिया जाता है। ये राज्य अलंकरण पुरस्कार है, और इस वर्ष ये जो राज्य अलंकरण पुरस्कार है वो किसे मिला है? श्री रुक्मणी देवी को मिला है, जो कि भिलाई से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इतना कुछ बताएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो मिनी माता जो नाम है, पहले आप इसका परिचय दीजिए कि ये है कौन, इन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिला उत्थान के क्षेत्र में महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है, और इस वर्ष 2019 में किसे पुरस्कार दिया गया था, आप ये भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन मुख्य बिंदुओं का आप ध्यान रखिएगा कि किस जो नाम है वो है कौन, उनका परिचय दीजिएगा, उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया ये बताइएगा, किसके द्वारा, किस विभाग के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है ये बताइएगा, और इस वर्ष किसे मिला आप ये बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से 30 वर्ड्स में आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों का विवरण दीजिए, डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़ इन नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल, ठीक। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में लिखना है। सोनल यादव, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को लिखा है। विनोद कुमार पटेल, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन है, आपने बहुत सिस्टमेटिक वे से इस क्वेश्चन के आंसर को लिखा है, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस आंसर को लिखा है। और अच्छी बात तो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अलग अलग आयामों को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। अगर हम सारे स्टूडेंट्स का आंसर पढ़ें और सारे स्टूडेंट्स के आंसर को इकट्ठा करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 60 वर्ड्स में लिखना था इस क्वेश्चन के आंसर को, उसे हम 100 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और 175 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक फ़ायदा है डिस्कशन कम्युनिटी में जाकर देखने का कि स्टूडेंट्स के जो आंसर हैं वो कैसे लिखे गए हैं, उसे आप वर्ड्स की लिमिटेशन को अगर आप हटा दें तो आप उसे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ज़्यादा विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं, और कैसे आप कम शब्दों में उस आंसर को लिख सकते हैं ये भी आपको डिस्कशन कम्युनिटी में देखने के लिए मिलेगा। तो आप जाकर देखिए कि इसका आंसर कैसे लिखा गया है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जो रिप्लाई किया है उनके द्वारा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ की क्या उपलब्धि थी, ठीक है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही थी कि छत्तीसगढ़ ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया था,
राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों कहा गया? क्योंकि भारत देश के अलावा बाकी देशों ने भी यहाँ पर भाग लिया था, यहाँ पर वो सम्मिलित हुए थे। तो पहले छोटी सी जानकारी दीजिएगा इनके बारे में, एटलीस्ट 20 वर्ड्स तो इनकी जानकारी के लिए आप रख सकते हैं कि इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था। तो 27 से लेकर 29 दिसंबर 2019 को हुआ था। कहाँ हुआ था? साइंस कॉलेज रायपुर में हुआ था, ठीक है। अब इसमें जो शामिल हुए थे वो कौन कौन थे? तो 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के और देश के बाहर 6 देशों से कम 1350 प्रतिभागी, या फिर ये कह सकते हैं कि 1350 प्रतिभागी से भी अधिक लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। उन्होंने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, जिसका थीम क्या था? थिरके का देश आदिवासी की थाप पर, ठीक है। मतलब कि पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनकी संस्कृति, उनका नृत्य जो है यहाँ पर दिखने वाला है आप लोगों को। मतलब इतनी ज़्यादा विविधताएं होने वाली है उस एक ही मंच पर बहुत सारी संस्कृतियों की, कि वही यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि थिरके का जो पूरा देश जो है वो कहाँ किस में थिरकने वाला है? आदिवासियों की थाप पर थिरकने वाला है। तो इस प्रकार से आप पहले बताएंगे, फिर उपलब्धियों पर आएंगे। तो उपलब्धियाँ, तो पहली तो उपलब्धि ये है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। दूसरा आप हाँ ये भी बता सकते हैं कि जो माड़िया जनजाति का गौर डांस है उसे विवाह एवं अन्य संस्कार नृत्य की जो विधा है उसमें प्रथम पुरस्कार दिया गया। और ये आप बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अद्वितीय पहचान मिली है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में बता सकते हैं और इस आंसर को 60 वर्ड्स में लिख सकते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि इस क्वेश्चन का आंसर स्पेशली आप डिस्कशन कम्युनिटी में जाकर देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स ने लिखा है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, आप एक बार उनके आंसर को जाकर देखिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ ब्रीफ कमेंट्री ऑन इंदिरा यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में लिखना है। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे आंसर लिखे हैं इसके, क्योंकि ये जो आंसर है वो लगभग सबसे परिचित है कि इसका आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए। तो सबने बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर लिखा है। आकांक्षा पांडे जी का आंसर मुझे अच्छा लगा, बाकियों से ज़्यादा बेहतर लगा, तो आप उनका आंसर देख सकते हैं। देखिए ये जो यूनिवर्सिटी है इसके नाम पे ही समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी किस से रिलेटेड है, आर्ट एंड म्यूज़िक से रिलेटेड है ये यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपको जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको 4 सवालों को अपने मन में रखना है। ये 4 सवाल कौन से होंगे? कि ये कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, यहाँ पर शिक्षा कैसी दी जाती है, किन किन संकायों की शिक्षा दी जाती है, और इससे रिलेटेड जो यहाँ पर कॉलेजेस हैं आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप इन 4 सवालों का जवाब अपने इस आंसर में रखेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो सिस्टमेटिक वे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर कैसा होना चाहिए। पहले आप बताएंगे कि इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय जो है वो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत खैरागढ़ क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना कब और किसने की? तो इसकी स्थापना जो है 14 अक्टूबर 1956 में, उस समय खैरागढ़ के जो राजा हैं वो वीरेंद्र बहादुर सिंह हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम क्या था? रानी पद्मावती। तो इन्होंने अपनी बेटी इंदिरा के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा था और अपने राजमहल के अंदर ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी? 1956 में की थी। और ये जो विश्वविद्यालय है ये भारत का ही नहीं पूरे एशिया का पहला विश्वविद्यालय है और छत्तीसगढ़ का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय। हाँ ये याद रखिएगा, संगीत विश्वविद्यालय की बात चल रही है, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो विश्वविद्यालय है, ये संगीत विश्वविद्यालय, कला एवं संगीत विश्वविद्यालय जो है वो भारत का ही नहीं पूरे एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय है और छत्तीसगढ़ का एकमात्र कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। उसके बाद आप बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से संकाय, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या हो रही है यहाँ पर स्टडी की जा रही है। तो म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, डांस और आर्ट, संगीत, लोक संगीत, डांस और कला। कला में बहुत सारी कलाएं हो सकती है, जैसे कि चित्रकला आप ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर संचालित संकाय हैं। छत्तीसगढ़ में इससे संबंधित 5 महाविद्यालय हैं, 5 कॉलेजेस हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं। श्रीराम संगीत महाविद्यालय, कमला देवी संगीत महाविद्यालय, ये दोनों रायपुर में हैं। भातखंडे संगीत महाविद्यालय, ये बिलासपुर में है।
शारदा जो संगीत विद्यालय है ये कबीरधाम में है और जो चक्रधर संगीत विश्वविद्यालय है ये रायगढ़ में है। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को 60 वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर टिप्पणी करें। कमेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए, क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, आपको 100 शब्दों में लिखना है। बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इनके लिए दिए गए हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैक्सिमम प्रोविज़न ऐसे हैं जो ST और SC दोनों के लिए हैं, तो आपको ऐसे कुछ एडवांस में याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जब आप अनुसूचित जनजातियों के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं और उनसे संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को आप पढ़ रहे हैं, उनके बारे में आप जानते हैं, तो इस आंसर को भी आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इनके आंसर जिस स्टूडेंट्स ने लिखे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हैं, उन्होंने बाकायदा सब हेडिंग्स दिया है और कहाँ पर कैसा उत्थान हो रहा है, कहाँ पर कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, उसका सब हेडिंग दिया है। और उसके बाद उसके अंतर्गत जो जो आर्टिकल आ रहे हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। और मैं यहाँ पर जो आप लोग को बताना चाह रही हूँ, जो लेखन शैली होगी यहाँ पर, जो प्रेजेंटेशन का वे होगा, वहाँ पर आर्टिकल्स को मैंने फोकस किया है, क्योंकि यहां पर कहा गया है संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान सब हेडिंग्स में हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसके अंदर आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि ये फोकस्ड होके दिखने वाला है। ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है लिखने का, और ये भी अच्छा तरीका है, आप दोनों ले सकते हैं लिखने के लिए। ठीक है, दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप बताएंगे कि हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं अलग अलग अनुच्छेदों में। ठीक, कहीं भी आप जनजाति का यूज़ मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर पूरा फोकस किस पे है, जातियों और अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग के लिए है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप प्रावधान लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप ST का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप सबसे पहले आप यहाँ पर जब इसको थोड़ा सा जो दो लाइन होता है एक्सप्लेनेशन के लिए, आप जब हम लिख रहे हैं विस्तारपूर्वक, तो वहाँ पर जनजातियों की बात मत कीजिएगा। लेकिन जब आप किसी प्रोविज़न की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जनजातियाँ लिख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये प्रोविज़न दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोविज़न है वो है राइट टू इक्वालिटी का, समता का अधिकार, 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक का है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसमें जो आर्टिकल 15(4) है और 16(4) है, ये जो है अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। जो 15(4) है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी बात राज्य को, देखो ये दोनों बात जो है ना वो राज्य को कह रही है, स्टेट को कह रही है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति और जाति के लोग हैं, उनकी उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से रोक नहीं सकता। ठीक है, कोई भी ऐसी बात जो है वो राज्य को इनके लिए विशेष उपबंध करने से रोक नहीं सकता, इनकी उन्नति से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला जो 15(4) जो आर्टिकल है उसके बारे में आप ऐसा लिखेंगे। फिर जो आर्टिकल 16(4) है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कोई भी बात राज्य को, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या ऐसे लोग जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अगर राज्य को ऐसा लगता है कि उनका जो प्रतिनिधित्व है राज्य की दृष्टि में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो उन पर्टिकुलर सेवाओं में उनकी नियुक्तियों के लिए और उनके पद के लिए आरक्षण रख सकता है। ठीक है, कोई भी बात राज्य को, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अगर राज्य को ऐसा लगता है कि इनका जो प्रतिनिधित्व है राज्य की सेवाओं में, राज्य के अधीन जो जितनी भी सेवाएं हैं उनमें इनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, इनकी नियुक्तियों के लिए और इनके पदों के लिए वो आरक्षण का प्रावधान रख सकती है, कोई बात रोक नहीं सकता राज्य को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। फिर आर्टिकल 46, ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जितने भी कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनके शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रयत्न किया जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन से दृष्टिकोण रखे गए हैं, सामाजिक और शैक्षिक, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से रखा गया है, शैक्षिक और आर्थिक।
तो ये याद रखिएगा, ये छोटे छोटे शब्द हैं जो आपके आंसर को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यहाँ पर शैक्षिक और सामाजिक की बात की गई है और यहाँ पर शैक्षिक और आर्थिक की बात की है। तो कैसे आप इन लोगों का विकास कर सकते हैं? देखिए, आर्थिक की बात की, जैसे कि स्कूल शिक्षा की बात करें, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि आज जितने भी पिछड़े लोग हैं उनको क्या दिया जा रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, उनको किताबें दी जा रही हैं, उनको साइकिल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से आर्थिक दृष्टिकोण तो उनका वो क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके विकास के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा में ST और SC के सीटों का आरक्षण होना चाहिए, और आर्टिकल 332 कहता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव में, विधानसभा में, इनके सीटों का आरक्षण होना चाहिए। आर्टिकल 335 कहता है कि संघ और राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं और जो भी अन्य पद हैं उनमें इनके लिए आरक्षण होना चाहिए। देखिए, आरक्षण कैसा होना चाहिए इसमें ये बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर कोई बात राज्य को नहीं रोक सकती इनको आरक्षण देने के लिए, और यहाँ पर आरक्षण कैसा होना चाहिए ये बताया गया है, ठीक। आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से आप 100 शब्दों में जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं वो आप लिख सकते हैं। देखिए, मैंने इतने को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ज़रूरी नहीं कि आप ये इन्हीं को एक्सप्लेन करें, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इनके लिए, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने आंसर में इनको भी समाहित करें, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्थानीय स्वशासन में किस प्रकार आरक्षण की सुविधा दी गई है? देखिए, हो सकता है कि डिस्कशन कम्युनिटी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन शो हो रहा होगा, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन को 8 मार्क्स में दिया था। कोई बात नहीं, आप 175 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, आप 100 वर्ड्स में भी लिखने का इसका प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स ने इसका आंसर लिखा था, मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, वो अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात कर रहा है, वो नहीं पूछ रहा है आपसे कि जो स्थानीय स्वशासन है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, किस किस आर्टिकल के द्वारा ये आया गया है, इसके अंतर्गत क्या क्या है, वो कुछ नहीं पूछ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ आंसर को विस्तारपूर्वक लिखने की कोशिश की है, लेकिन ये जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन पे फोकस्ड होना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगी आप लोग को, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सिर्फ आपसे यही पूछा गया है कि OBC के लिए रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है वो कैसा है। अगर इससे संबंधित कोई ऊपर और नीचे आपको कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी जानकारी मत दीजिए स्थानीय स्वशासन के बारे में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने टेबल के फॉर्म में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। लेकिन आपको ऐसा टेबल बना के नहीं आना है वहाँ पर, आपको जो भी मैं बोलने वाली हूँ उसे शब्दों में लिखना है, ठीक है। चाहे 175 वर्ड्स की बात हो, चाहे 100 शब्दों की बात हो, दोनों में आपको क्या करना है, आइदर आप सब हेडिंग डाल के लिख सकते हैं या फिर आप टेबल में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो जानते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन कैसा दिया गया है, ठीक है। तो जब भी हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है, पंचायत आता है और नगरीय निकाय आता है, ठीक है। जो स्थानीय लेवल पे यहाँ पर जो शासन चल रहा है, किसके द्वारा, यहाँ के खुद के लोगों के द्वारा, इसलिए स्वशासन कहा गया है, ठीक है। तो जो स्वशासन चल है, स्थानीय स्वशासन है, वहाँ पर ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको रिजर्वेशन कैसा दिया गया है, आइए देखते हैं। तो पंचायत के अंतर्गत क्या क्या आता है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। नगरीय निकाय में क्या क्या आता है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर पालिक निगम, ठीक है। तो इनमें देखिए, ये टू पार्ट्स में बटा हुआ है, एक तो इनके सदस्य होते हैं और दूसरा इनका हेड होता है, और जो तीसरा होता है वो उपाध्यक्ष होता है। तो उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित इनका रिजर्वेशन कैसा कैसा है। जब भी हम अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो वो डिपेंडेंट है किस पे, ST और SC पे, उनके आरक्षण पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत में दो सदस्य होते हैं, पंच और सरपंच होते हैं, ठीक है। तो पंच क्या है, सदस्य है, और जो सरपंच है वो हेड होता है, ठीक है। तो इनके रिजर्वेशन की बात हम करें तो देखिए, जितने भी इन तीनों में
ग्राम पंचायत की बात करें, जनपद पंचायत की बात करें और जिला पंचायत की बात करें, तो जब हम सदस्य की बात करते हैं, मतलब कि जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य में हम पंच की बात करते हैं, तो इन तीनों में रिजर्वेशन जो है वो सेम है। और वह रिजर्वेशन क्या है, किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर या जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत या जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ ST और SC का रिजर्वेशन वहाँ जो जनसंख्या है उनके अनुपात में होगा। पहली बात, मतलब कि उस पर्टिकुलर एरिया में ST और SC की जितनी पॉपुलेशन है उसके अनुपात में वहाँ के सदस्यों का जो पद है उसका रिजर्वेशन होगा, ठीक है। यदि ST और SC का रिजर्वेशन उस पर्टिकुलर एरिया में, चाहे हम ग्राम पंचायत की बात करें, जनपद पंचायत की बात करें या जिला पंचायत की बात करें, 50% या उससे कम होगा, तब वहाँ OBC का रिजर्वेशन कितना होगा, 25% होगा, ठीक। ये तीनों के लिए है। और ये जो पूरा रिजर्वेशन है इसमें जो आधा सीट होगा वो किसका होगा, महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, ठीक है। टोटल सीट का भी रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हाफ होता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, ठीक है, तो हम उसी पर रहेंगे। तो आपको बताना है यहाँ पर कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत तीनों में जो सदस्य होते हैं, यहाँ पर सिर्फ पंच की बात की जा रही है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो रिजर्वेशन है वो ST और SC के लिए उनके पॉपुलेशन के आधार पर उसके अनुपात में किया जाता है। और यदि उस पर्टिकुलर एरिया में ST या SC दोनों को मिलाकर बात कर रहे हैं हम, ST और SC का रिजर्वेशन, यदि ST और SC का पॉपुलेशन 50% या 50% से कम है, तब उस एरिया में OBC का रिजर्वेशन कितना होगा, 25% होगा। और इनमें महिलाओं का रिजर्वेशन कितना होगा, मतलब आधा सीट महिलाओं का होगा, 50% होगा, ठीक। और ये जो रिजर्वेशन हुआ है OBC का, ये चक्रानुक्रम में होगा। चक्रानुक्रम में मतलब कि टू कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शन, मतलब कि दो लगातार जो निर्वाचन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक चक्रानुक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चक्रानुक्रम में होगा OBC का जो रिजर्वेशन होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे प्रमुख की, तो ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, ठीक है, इसके केस में हेड कौन कौन है, ग्राम पंचायत के केस में सरपंच है और जनपद पंचायत के केस में कौन है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष है। तो इनके लिए रिजर्वेशन कैसा है, ग्राम पंचायत क्षेत्र की हम बात करेंगे तो एक ऊपर लेवल पे आते हैं हम, किसी भी खंड में जितने भी सरपंच हैं उनके सीट का रिजर्वेशन, वहाँ पर जितनी भी ST और SC का पॉपुलेशन है उनके अनुपात में होगा। यदि ST और SC का पॉपुलेशन 50% से कम है तो वहाँ OBC का रिजर्वेशन होगा 25%। देखिए यहाँ पर क्या था, 50% से कम, लेकिन यहाँ पर 50% से कम की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि महिलाओं का जो रिजर्वेशन होगा वो आधी सीट में होगा। और जब जिला पंचायत के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो हम जब जिला की पंचायत के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो हम राज्य को लेंगे, किसी राज्य में जितने भी जिला पंचायत के अध्यक्ष की सीट है उसमें ST और SC का रिजर्वेशन जो है वो वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में होगा, लेकिन OBC के लिए 25% रिजर्वेशन कंपलसरी है। जिनमें ये जो रिजर्वेशन हो रहा है वो सभी के सभी, जो भी OBC के लिए रिजर्वेशन हो रहे हैं वो चक्रानुक्रम में होंगे और महिलाओं के लिए आधी सीट रिजर्व रहेगी, ठीक। तो यहाँ तक आप क्या समझ रहे हैं पंचायत के बारे में, आप ये समझ रहे हैं कि जब हम सदस्य की बात करें तो सबके लिए सेम रिजर्वेशन का प्रावधान है। ST या SC का पॉपुलेशन यदि 50% या 50% से कम है तो OBC के लिए 25% होगा, और ये जो OBC का रिजर्वेशन है वो चक्रानुक्रम में होगा, और ये जो रिजर्वेशन है इसमें महिलाओं की आधी सीट होगी। हम जब प्रमुखों की बात करते हैं तो सरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, तो किसी भी खंड में जितने भी सरपंच हैं और किसी भी जिले में जितने भी जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं उनकी जितनी भी सीट है उसमें अगर ST और SC का पॉपुलेशन 50% से कम है तो OBC के लिए 25% रिजर्वेशन होगा, और ये जो रिजर्वेशन है OBC का वो चक्रानुक्रम में होगा, और जितनी भी सीट रिजर्व है उसमें 50% जो है वो किसका होगा, महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, ठीक है। अब हम नगरीय निकाय में आते हैं, नगरीय निकाय में क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका निगम, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका जो आरक्षण का प्रावधान है वो तीनों में सेम है, सेम है। और यह आरक्षण का प्रावधान क्या है,
जो इनके सदस्यों का प्रावधान था वो इनके सदस्यों को जो आरक्षण का प्रावधान था वो सेम इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं का रिजर्वेशन कितना है, 1/3 है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जितने भी जो सदस्य हैं उनका रिजर्वेशन कैसा है कि उस पर्टिकुलर एरिया में एसटी और एससी के पॉपुलेशन के अनुपात में उनको सीट मिलेगी। उस एरिया में यदि इनका पॉपुलेशन 50% या 50% से कम है तो ओबीसी के लिए 25% रिजर्वेशन होगा, जिनमें महिलाओं का जो रिजर्वेशन होगा वो 1/3 होगा। ठीक, और जब हम इनके हेड की बात करते हैं, प्रमुखों की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है कि वो एसटी और एससी का जो रिजर्वेशन है वो उनके जनसंख्या के अनुपात में ही होगा, लेकिन ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 25% मस्ट है, और जो भी रिजर्वेशन हो रहा है उसमें 1/3 महिलाओं का रिजर्वेशन होगा। तो इस प्रकार से आपको बताना है। अब यहाँ पर बात आती है उपाध्यक्ष की। तो देखिए, उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो पहले सम्मेलन में होता है, सदस्य में से ही किसी एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है, और इसमें एक ही मान्यता है कि अगर जो हेड है वो एसटी एससी या ओबीसी का नहीं है तो उपाध्यक्ष जो है वो डेफिनेटली इनमें से एक होगा। ठीक है, बस इतना ही है उपाध्यक्ष के बारे में। तो आपको जो भी बताना है ओबीसी के बारे में बताना है, उससे रिलेटेड बताना है, और उससे आगे पीछे कुछ नहीं करना है आपको। 175 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं इसका आंसर, और 100 शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।